हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सविता है और मैं नरी से बिलोंग करती हूँ। सो गाइस, आज का दिन है रामनवमी का, यानी नवरात्रों का आखिरी दिन। नवमी, हम लोगों में नवमी पूजी जाती है, जिससे कि पैसे की आपने काफ़ी ब्लॉगों में मेरे पहले देखा होगा, मैं नवमी की पूजा करती हूँ। सो गाइस, पहले सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी, वो किस लिए वो भी आपको जल्द पता चल जाएगा। पहले मैं दिल से फिर भी सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। सो आज हम लोग नवमी की पूजा कर रहे हैं और मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही थी, बाकी सब कुछ मेरा रेडी हो चुका था। आलू की सब्ज़ी और चने और हलवा, यही बनता है और यही सेम यही चीज़ मेरे घर में हमेशा बनती है, अलग से कुछ नहीं होता। सब्जी हालांकि चेंज हो सकती है, बट हाँ अभी तक तो फ़िलहाल कभी हुई नहीं है। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं ये लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात, मैं सॉरी किस लिए बोल रही थी वो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, कि गाइस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ब्लॉग मैं स्पेशल नहीं बना पाई, कुछ अलग से नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरा वहाँ पर जब मैं रूम में थी तो वहाँ पर मेरा किचन बिल्कुल अलग सामने था। तो अगर सनी पापा पूजा भी करते थे या कुछ अलग से कुछ काम करते थे नवमी वाले दिन, तो मैं फ़ोन से किचन में खड़े खड़े ही काफ़ी ब्लॉग मतलब कमरे तक के अपलोड कर लेती थी। बट यहाँ पे मेरा किचन जो कॉर्नर में पड़ जाता है, अंदर जाके थोड़ा किचन पड़ता है, तो अब वही समझ सकते हो एक अकेली मैं घर में। चलो कोई और हो तो फ़ोन लेके कभी ये क्लिप कभी वो क्लिप ऐड कर लेते हैं, जैसे कई बार किसी के हस्बैंड किसी के बच्चे फैमिली मेम्बर कोई ना कोई कर ही देता है। बट यहाँ पे तो फिलहाल मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है नहीं, और सनी बहुत छोटा है, वो ने पापा की हेल्प कराने लगा हुआ था, और जिस टाइम पे वो हेल्प करवाता है उस टाइम पे मैं ये बोलती कि प्लीज़ सनी ये काम कर दो बेटा, तो फिर वो और चिल्लाते मेरे ऊपर। तो इसी वजह से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं ब्लॉग आपका यही वाला शेयर कर पाई हूँ, यहाँ किचन का ही छोटा मोटा सा ब्लॉग, तो उसके लिए प्लीज़ आप माइंड मत करना। तो गाइज, इसलिए मैं पहले मैंने इसलिए आपको सॉरी बोल दिया था, क्योंकि प्रॉब्लम थी मेरे साथ, मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी पूरी तरह, क्योंकि मैं किचन में ही लगी हुई थी। ऊपर से सनी पापा चिल्ला रहे जल्दी कर जल्दी कर, तो बस क्या ही बताऊँ, आप समझ सकते हो अगर आप फैमिली मेम्बर्स के, तो समझ सकते हो कि कई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम चाहकर भी खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। बाद में अफसोस बहुत हुआ कि मैंने अपने ब्लॉग इस बार अच्छे से नहीं बना पाई थी मैं, बट कोई नहीं, फिर मैंने छोटा सा क्लिप ऐड कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आप लोग ताकि ये ना सोचो कि भाई हाँ सविता ने मतलब इतना स्पेशल दिन था और ब्लॉग अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए फिर भी सॉरी कहूँगी मैं। कुछ टाइम पहले मुझे कमेंट आ रहे थे गाइज यूट्यूब पर, और अभी भी आ ही रहे हैं, वहाँ पे मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप अपने पैरों की वीडियो अपलोड करो, तो ऐसा क्यों बोलते हो यार, मुझे समझ में ये बात नहीं आती। मैंने कितनी बार आप लोगों को समझा दिया गाइज़ कि आप ऐसे ही मत बोला करो कि पैरों की वीडियो, मतलब क्या होता है पैरों की, अगर मैं काम कर रही हूँ इतना रिस्क लेके, सोचो मैं किस लिए करती हूँ, आप खुद देखते हो कि मैं रिक्स लेती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मेरे जो यूट्यूब मेंबर हैं वो अच्छे से ब्लॉग्स को देखें और मेरे ब्लॉग्स को देख के कुछ अच्छी पॉजिटिव थिंक अपने मन में दिमाग में लेकर आएं। उसके बावजूद ही मुझे ये पास होता है कमेंट, जैसे कल परसों मुझे कमेंट कोई पास कर रहा था कि मैम आप प्लीज़ बाहर जाके वीडियो अपलोड करो, घर की वीडियो अपलोड मत करो। तो इतना ईजी नहीं होता फ्रेंड, बहुत मुश्किल हो जाता है घर की वीडियो अपलोड करना या बाहर जाके अपलोड करना, क्योंकि घर में तो देखो हमारा डेली का काम होता है, डेली का काम हमें करना ही होता है, तो इसलिए वो वीडियो अपलोड करना इजी रहता है। बट बाहर जाना मतलब एक स्पेशल दिन अलग से निकालना तो इतना आसान नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ कोई होता नहीं है, मैं अकेली होती हूँ, सनी भी अभी मैच्योर नहीं है, 5-6 साल का है, तो आप समझ सकते हो गाइस कि वो भी इतनी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएगा मेरे साथ। हाँ कुछ थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर तो चलो ये होता है कि सनी मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ या कुछ हम कर रहे हैं बाहर या कोई स्पेशल हमें दिखा है तो सनी भी उसकी ब्लॉग बना लेगा, लेकिन अभी वो भी उतना मैच्योर नहीं है गाइस, काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। तो मेरा अपना ब्लॉग आपसे शेयर करने का एक यही सिंपल सा रीज़न होता है कि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं, कुछ जेंट्स भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं बिल्कुल, और वो घर में रहने के बाद भी ये सोचते हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता गाइज। देखो ये लाइफ हमारी है, और जितना कि मैं जानती हूँ कोई ये रियल लाइफ है हमारी, कोई फिल्मी लाइफ नहीं है कि जो आंखें बंद करी और सारे काम हो गए, तो ऐसा नहीं होता। इस ज़िंदगी में करना ही पड़ता है और बिना करे तो किसी को कुछ नहीं मिलता, ये रियलिटी है। मैं खुद आपको आज सिंपल सी थिंग बताना चाहती हूँ कि अगर क्या बोलते हैं मेरी, मैं घर में खाना नहीं बना पाती, मैं कोई काम नहीं कर पाती, तो हो सकता है कि शायद मेरी शादी भी नहीं होती, क्योंकि सिंपल सी बात है कोई भी आदमी कैसा भी हो वो यही चाहता है कि लड़की एटलीस्ट मुझे ऐसी तो मिले जो मेरे घर को संभाल ले, चाहे वो दिखने में कैसी हो, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइज़ मुझे कल परसों किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मैम अपने पैरों के बारे में आप ये बताइए कि आपको पैरों में प्रॉब्लम हुई कैसे थी। गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे बहुत खुशी मिली कि इतना प्यारा क्वेश्चन लोगों ने मुझसे किया, जो कि शायद मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था पर मैं नहीं बता पाई। तो गाइज़ मैं इतना तो नहीं जानती अपने बारे में, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, 4 महीने की थी मैं सिर्फ खाली, जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी पर्सनल घर के इश्यूज़ के वजह से। मतलब मम्मी का कहना है कि हम लोगों ने टीके वगैरह नहीं लगवाए थे,
या फिर कुछ तो बीमार हो गई थी, उसमें कमजोरी की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सब बातें मुझे बताई गई, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी इतना नहीं पता था कि ये सब चीज़ें कैसे हुई कैसे नहीं हुई। मेरे को जब से होश है तो मैंने खुद को ऐसे ही देखा है जैसे कि मैं आज हूँ, और ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रगल तो मेरी लाइफ में बहुत सारा हुआ है। कई बातें मैं बता नहीं सकती और कई बातें मैं बता चुकी भी हूँ पहले से आप लोगों को। मेरी लाइफ में स्ट्रगल, जब से मैंने स्ट्रगल का मीनिंग समझा है ना, तब से मुझे एहसास है कि हाँ मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है और आगे रहेगा रहेगा। मैं नहीं कह सकती अभी भी है, बट अभी थोड़ा इतना नहीं है, अभी मैं काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ। तो पहले मेरी लाइफ में स्ट्रगल गाइस बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने हैंडल किया है। मेरी थिंक बहुत अलग थी, मैं अक्सर ये सोचा करती थी जब तक मैं आप लोगों से नहीं जुड़ी हुई थी, मैं ये सोचती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं रियलिटी बताऊँ तो मैं खुद को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैं पसंद ही नहीं थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरी बॉडी ऐसी क्यों है, मेरे पैर ऐसे क्यों हैं, मैं हील्स क्यों नहीं पहन सकती, मैं ऐसे जीन्स क्यों नहीं पहन उड़ान आ गया सकती, है, काश अगर मैं ठीक होती तो उड़ान लोग करवा मुझे दे। पसंद करते, लोग मेरी तारीफें करते, मैं इस तरीके से ड्रेसअप करती, मैं इस इधर तरीके से चलती। मतलब मेरी थिंकिंग बहुत अलग थी गाइस आज से 2 साल पहले, जब तक मैं आप लोगों से नहीं मिलती। अब बिलीव नहीं करेंगे कि मैं घर से निकलना ही पसंद नहीं करती थी, कि लोग मुझे ऐसा अंदर क्यों आ देख रहे हैं, या लोग मुझे देखकर कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, लोग मेरे पैरों को उड़ान देखते हैं। दे कई बार तो छोटे छोटे बच्चे मुझे मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, कई जवाना। बार छोटे बच्चे मुझे अजीब तरह वर्ड बोल देते थे, जैसे कि अक्सर हम हैंडीकैप लोगों के लिए यूज़ किया जाता है वो वर्ड, ओ मुझे सबके सामने बच्चे बोल देते थे। मेरे बच्चे तो नहीं, बाहर के बच्चे जो होते हैं वो कई बार लोग मतलब बच्चे चलते चलते मजाक में बोल देते थे कि आंटी आपका पैर कहाँ गया, इस तरीके से। तो ऐसे वर्ड अक्सर बहुत तकलीफ दे जाते हैं मन में, ये चीज़ें समझ आ कहने की गया। होती हैं कि इग्नोर इग्नोर भी गाइज कोई भी इंसान उतना करता है जितना कि उसे करना चाहिए। मेरे को मैंने जितना करना चाहा नहीं मैंने आने का किया, वो आज भी मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ, आज भी मैं गिर जाती हूँ, आज भी मुझे चोट लग जाती है, आज भी मैं स्लिप हो जाती हूँ, बट फिर भी आज मुझे ये पता है कि ये मेरी लाइफ है, इसे सिर्फ मुझे हैंडल करना है। सनी मेरे भरोसे पे रह रहा है, मुझे उसको संभालना है, मुझे उसके लिए आगे बढ़ना है। अगर मैं आज झुक जाऊंगी तो कल मेरा बच्चा मुझे झुकाएगा, तो वो काम मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। मुझे अपने बेटे के सामने बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह रहना है कि नहीं बेटा मम्मा सब कर सकती है। तो ये लाइफ है मेरी, और ये चीज़ें मैंने बहुत रियलिटी बहुत ज़्यादा गहराई से देखी है। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि भगवान मुझे चलो इतना अच्छा हस्बैंड मिला, मुझे इतना क्यूट इतना प्यारा बेबी मिला जो मुझे आज भी काफ़ी समझता है। और समझना ना समझना तो गाइस कहते हैं हमारे ऊपर डिपेंड है, बाकी संस्कार देना तो वो तो हमारे ऊपर है। बच्चा बाकी अगर हम संस्कार अच्छे देंगे तो बच्चा हमें समझेगा भी। आज भी देखो कहने की बात होती है, आज से 15 दिन पहले मैं घर से निकलना पसंद नहीं करती थी, मैं ये तक भूल गई थी कि दुनिया होती कैसी है। आज से सिर्फ 15 दिन पहले मैं घर से निकलती नहीं थी, मुझे बहुत गिल्ट फील होता था कि नहीं यार मैं बाहर नहीं जा रही, बहुत दिन से गई नहीं हूँ, पता नहीं मैं मार्केट वाले लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं पब्लिक क्या सोचेगी। आज देखो गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, आज जब मैं सनी को लेने जाती हूँ लाखों पेरेंट्स खड़े होते हैं, कितने बच्चे स्कूल से निकलते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, सनी को देखता है कोई, मुझे देखता है, बट मैं फिर भी नहीं, ये मेरी लाइफ है, इसको मुझे जीना है। मैं आपको परसों की बताऊं, जब मैं परसों सनी को स्कूल से लेने गई तो मुझे किसी लेडीज़ ने बोला, 2 लेडीज़ खड़ी हुई थी, कि आप बताओ बेचारी परेशान है। समझ रहे हो, बेचारी वर्ड जो होता है वो सामने वाले को बहुत नेगेटिव भी थिंक दे सकता है और पॉजिटिव भी थिंक दे सकता है, बट मुझे बुरा नहीं लगा। उनकी नज़र ठीक थी, उनकी नज़र में मैं बेचारी हूँ, उनकी नज़र में मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ, उनकी नज़र में मैं अच्छी नहीं हूँ, या कुछ भी समझ सकते हो आप लोग, जो आप लोग सोचते हो। अगर मेरे सामने कोई ऐसा जाएगा तो मैं भी यही सोचूंगी कि यार बेचारा कितना परेशान है। मैंने फिर उनको बोला कि बता कितना, वो कह रही कि मेरा लेडीज़ की कितना परेशान है बेचारी, बताओ आप लेने क्यों आते हो बच्चे को, आप वैन लगा दो या रिक्शा लगा दो या किसी और को भेज दिया करो। तो मेरा मेरा सीधा सा आंसर था कि नहीं, मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, ये मेरी लाइफ और ये मेरा बच्चा है, कब तक अंदर कमरे में बंद रह के होके रह सकती हूँ। हम औरतें हैं और हमें हमें लाइफ में स्ट्रगल करना है, हमें लाइफ में कुछ मिले ना मिले लेकिन स्ट्रगल तो हमें ज़िंदगी भर करना है, और अगर मैं आज नहीं कर पाऊँगी तो मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर पाऊँगी। ये सोच मेरी अक्सर, मैंने ये सीधा उनको जवाब दिया, तो इस सोच को देख कर एक लेडीज और खड़ी हुई थी, उसने बोला कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसे निकलना पड़ेगा, उसकी लाइफ में बच्चा है। अगर वो अकेली होती तो घर में बंद रह के रह सकती थी, पर उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ में बच्चा है, और उसको बच्चे को अगर ज़िंदगी में आगे पढ़ाना है बढ़ाना है तो उसे निकलना पड़ेगा। तो सोचो मतलब कि कहने को दोनों लेडीज़ थी, बट दोनों लेडीज़ों की सोच में कितना फ़र्क था,
ये नोटिस किया आप लोगों ने? तो इसीलिए कहा जाता है गाइज, ये दुनिया है, यहाँ जब हम निकलते हैं ना, जब तक हम कमरे में बंद हैं तब तक ये समझ लो कि हमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला, और जैसे ही अगर हम क्या बोलते हैं बाहर निकले तो दुनिया हमें गाइस नेगेटिव भी बोलेगी, पॉजिटिव भी बोलेगी, दोनों चीज़ें बोलेगी, और हमें दोनों चीज़ों को सुन के और समझ के ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में यही तो सीखा है, अगर हम इतना भी नहीं सीख सकते गाइस, इतना भी लोगों को समझ के नहीं करेंगे तो ये तो दुनिया है, इसका काम है बोलने का, और वो बोल बोल के इतना नोच खाएगी आप आपको कि शायद उस टाइम आप ना उठने लायक रहोगे ना गिरने के लायक रहोगे। तो मेरी यही थिंकिंग है गाइज, और मैं आप जैसी, जो मेरी जैसी कुछ बहनें हैं, कुछ भाई लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपने थिंक को चेंज करो। जब तक आप अपने थिंक चेंज नहीं करो, अपनी सोच को नहीं बदलोगे, दुनिया में आपको कोई नहीं बदल सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता। ये लाइफ, ये कहने की बातें हैं, छोड़ इस जन्म में, छोड़ अगले जन्म में, उस जिंदगी में जी लेंगे। अगला जन्म किसने देखा? आपने देखा या मैंने? किसी ने अगला जन्म नहीं देखा। तो इसलिए भगवान का नाम लो, भगवान ने हमें ये ज़िंदगी दी है, और हर हर बुराई के पीछे अच्छाई होती है, इतना याद रखना। मैं यही बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर हमारे साथ आज कुछ बुरा है तो आगे अच्छा होगा, और याद रखना अच्छा होने से पहले भगवान बहुत बुरा करता है हमारे साथ। तो ये ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें आप याद रखोगे तो लाइफ में कभी भी आप हार नहीं मानोगे, और मैं तो यही शिक्षा देना चाहूँगी। वैसे मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं, पर लेकिन मेरा मन था कि मैं ये चीज़ आपसे शेयर करूँ। तो इसलिए डियर, ये लाइफ है, खुश रहो, हैप्पी रहो, दूसरों को सपोर्ट करो, खुद को सपोर्ट करो, बहुत है बस। और अपने कर्म अच्छे रखो, फल तो भगवान कभी ना कभी दे ही देगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है? तो गाइस बस यहाँ पे मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, और आपने देखा मेरा यहाँ पे पूजा हो चुकी, पूजा के लिए मैंने खाना भेज दिया है जैसे कि मैंने दिखाया अभी आप लोगों को। सो ये मेरी लाइफ है, और ये मेरी लाइफ इस तरीके से है। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे ब्लॉग में इस तरीके से, एंड लव यू, देन प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू सो मच।